इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा का हो रहा है हनन, करोड़ों का एक्स्ट्रा टर्फ होने के बावजूद भी खेल से वंचित है हॉकी खिलाड़ी। घास और कीचड़ पर हॉकी खेलने को है मजबूर। सिवनी से निकल चुके हैं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। सिवनी को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। जी हाँ, यूं तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा, वैसे ही एक माजरा सिवनी में देखने को मिला, जहां पर मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर पर ब्लू हॉकी एक्स्ट्रा टर्फ बिछाया गया है, जिसे बिछाए लगभग 2 माह से ज्यादा का समय हो चुका, किंतु यहां पर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी जा रही। मामला प्रशासनिक तौर पर फंसा हुआ है। सिवनी जिला खेल अधिकारी का कहना है कि जब तक हमें भोपाल से NOC नहीं मिल जाती, तब तक हम खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं खेल अधिकारी का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य कर दिया गया है, इसी के चलते भोपाल से इस एक्स्ट्रा टर्फ में खेलने की अनुमति नहीं मिल पा रही। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर भी नई सरकार बनने का रास्ता देखा जा रहा है। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि ठंड का समय हॉकी का सीजन रहता है, किंतु एक्स्ट्रा टर्फ नहीं खोले जाने के कारण हमें सिवनी के स्थानीय पुलिस मैदान में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, जहां पर धूल के गुआर उठते हैं और पानी आ जाने पर मैदान में कीचड़ हो जाता है। वहीं जगह जगह घास उगी हुई है, गोल पोस्ट टूटे पड़े हैं। सिवनी के कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं खिलाड़ियों की मांग है कि इस एक्स्ट्रा टर्फ को जल्द से जल्द खिलाड़ियों के लिए खोला जाए, जिससे कि हॉकी में उन खिलाड़ियों का भविष्य संवर सके। क्या दिक्कत जा रही है आपको हॉकी में यहाँ पे? अंकल, टर्फ रहने के बाद हम लोग मिट्टी में खेल रहे हैं। क्यों? हैंड ओवर नहीं हुआ कहते। यहाँ करोड़ों का टर्फ बना हुआ है यहाँ पे, तो कब से तैयार हो गया और क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो कब से तैयार हुआ वैसे तो, बस हैंड ओवर बोल रहा है और नहीं हो रहा है। यहाँ क्या दिक्कत है आती खेलने में? मिट्टी, धूल, मिट्टी उड़ती रहती है, कुछ अच्छे से होता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहूर नाज है, मैं सिवनी की एक हॉकी प्लेयर हूँ। ये हमारे यहाँ बहुत काफी टाइम से, मतलब समथिंग 1-2 महीने से टर्फ कंप्लीट हो गया, बट हम लोग को खेलने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। हैंड ओवर रह गया है बोल रहे हैं ऐसा, और ये हम लोग, आप देख सकते हैं हम कैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग की बॉल भी स्टॉप नहीं होती, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम से हम लोग टर्फ में प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। और हमारी टीम में मतलब काफ़ी नेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। कई लोग दूर रहते हैं और ग्राउंड जो था वो काफी पास पड़ता था, इसके वजह से। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि सीजन यहाँ खराब होने, खत्म ही होने पे है, और लगभग आप लोग चट पे खेल रही हैं, तो आपके खेल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा टर्फ और चट पे? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा, और हम लोग से मतलब उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जो अब क्योंकि से बाकी जगह टर्फ आ चुका है ना, इसके वजह से। क्या कारण बता रहे हैं? ये हैंड ओवर रह गया है, बस यही बताई जा रहा है। वो काम कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है तो फिर खेलने की दिक्कत जा रही है। हमारी नई टर्फ जो लगी हुई है उसका कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और डायरेक्टरेट से हमें जैसे परमिशन मिलेगी हम इसे जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। किस चीज़ की दिक्कत जा रही है इसमें? दिक्कत हमें कुछ नहीं है, बस डिपार्टमेंट से हमें लिखित में परमिशन मिल जाए कि अब हम खिलाड़ियों को इसमें प्रशिक्षण देने के योग्य हैं और टेक्निकली ये ओके है, तो हम इसमें स्टार्ट करा लेंगे। आपके द्वारा तक क्या प्रयास किए गए? हमारे द्वारा अभी तक डायरेक्टरेट से समन्वय करते हुए, कलेक्टर साहब से भी समन्वय करते हुए इसे जल्द से जल्द शुरू कराने के लिखित पत्राचार किए गए हैं, ताकि खिलाड़ियों को जल्दी से यहाँ पे खेलने की सुविधा प्राप्त हो सके। जैसे कि ठंड का सीजन हॉकी का सीजन रहता है, लेकिन 2-3 महीने अब चले गए हैं इसमें, तो ठंड तो ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो हम चाहेंगे कि ये कमिंग वीक के बाद स्टार्ट हो जाए जल्द से। ऐसा माना जा रहा है 15 दिन के अंदर हो जाएगा? हाँ जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि 15 दिन में स्टार्ट हो जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।